सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रेहान। वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम जाएंगे टार्ज़न द वंडर कार को एक्सप्लोर करने। सो चलो चलते हैं। बाय द वे, हमने वो कार को पहले ही एक्सप्लोर किया है, मतलब वीडियो बन गया है। इंट्रो में बाद में ले रहा हूँ, तो जो वीडियो भी बना है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही बना है। इसके लिए आ गया भाई थोड़ा, हाँ, तो इसके लिए ये वीडियो को पूरा दिखिए। एंड जो भी वो कार की इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी नॉलेज है वो, और जो क्वेश्चन रहता है वो कार रोड पे क्यों नहीं लॉन्च हो पाई हमारी सड़कों पे, अभी हमें सबको कार कितनी ज़्यादा पसंद थी वो टार्ज़न, तो वो आ क्यों नहीं पाई, तो ये सारे सवालों का जवाब ये वीडियो में उपलब्ध है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। भैया कैसे मेरे भाई? अरे बहुत बढ़िया, बस आपके फुल कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि मैं पीछे मास्टर भैया है और साथ ही साथ ऋषभ भैया, जने भैया, मतलब पूरी टोली है अपने साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थाने में, ऐसा ऐसा जरा आराम से चलो, आने दो रुको सबके लिए। सो मास्टर बटर की टोली फुल गलत करने निकल चली है। भाई आज तो वही कंटेंट ही कंटेंट बनेंगे, वैसे तो एक भी नहीं बनाया अब तक, देखते हैं अभी कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब निकल पड़े हैं तो चलो। तो अभी हम लोग थाने में पहुंच चुके हैं, थाने वेस्ट में है अभी फिलहाल हम लोग, और बस बाइक पे बैठे। वैसे हम लोग 2 घंटे से सिर्फ ये स्कूटी पे है, और जो बम का पापलेट बना है ना आप क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा दुख रहा है और पीठ में भी बहुत काफ़ी दर्द होने लग गया है। पर कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा, अभी वीडियो बनने ही वाला है, बस हमारा कंटेंट मेंटेन बन जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है ना, पर एक बात बताओ, अभी हम लोग थे 2 व्हीलर पे, ठीक है, फिर वो अंकल देख रहे हैं, अंकल हाय तो करो जरा ब्लॉग, हाय 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 करो, क्या बात। तो अभी हम लोग थे गाड़ी पे एंड हम लोग थे स्कूटी पे, तो 2 व्हीलर तो इधर इधर घूम के हम लोग आ चुके हैं जल्दी, एंड अभी वो लोग आ रहे हैं तो अभी हम लोग को दिखेंगे। सो बस जाते हैं, फिर मास्टर भैया भी हमारे साथ है, सो मतलब फुल गलत करते हैं। वही है क्या? वही है कहाँ है? पोपट हो गया, हमें लगा कैब आ रही है तो उसमें वो हो गए, पर थे नहीं, अभी पता नहीं यार कहाँ है कब आ रहे। वैसे आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए टाइम तो लगता ही है। भाई मिले हमको, इनका इधर गैराज है, तो इन्होंने बताया कि पहले वो गाड़ी इधर ही थी, है ना भाई, फिर अभी वो जो इसका ओनर है उसने उसको ऊपर लेके गया बंगले पे। चलो भाई ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, नहीं तो हम लोग तो बहुत डर गए थे। अभी पवई से हम लोग इधर आए, तो मतलब इतनी मेहनत, हाँ यूट्यूब पर है चैनल, देखना छोटा मोटा चैनल है रेहान खान ब्लॉग्स। चलो प्रॉपर लोकेशन पे आए थे, बट प्रॉपरली नहीं पता था ना, आसपास पता था, इतना ही पता था अभी। पर मास्टर भैया कैसे, आपको तो पता ही है ना, तो उन्होंने एक बंदा खोज निकाला है, तो अभी वो प्रॉपरली लेके जा रहा है, गाइड कर रहा है यानी। भाई वो आ गए, फिर पीछे मास्टर ब्रदर की गाड़ी, फिर उसके पीछे रेहान खान ब्लॉग्स की गाड़ी, हाँ फुल गलत है। देख सकते हो हम लोग कैसे पहाड़ पे जा रहे हैं, एंड मतलब वो गाड़ी है ना अभी भंगार में, ऐसा ही कुछ सुना हो मैं, भंगार हो गई है तो इधर किधर ही उसको रखे। चलो अभी जाके देखते हैं। देखो भाई हमारे धीरज भाई अनरैपिंग कर रहे हैं, हाँ ब्लू कलर देख सकते हो आप, जन टार्ज़न। यार इसकी कंडीशन देखो, कब आई थी भाई मूवी? कल। ये कार आपने पिक्चरों में देखी होगी, ऐसी थी। अभी क्या लग रहा है आपको रिएक्शन? आप तो मैं देख रहा हूँ एकदम टेंशन में आ गए हो। 17 साल। अच्छा गाड़ी इसको 17 साल हो चुके हैं। अब वो क्या है, जंग खाया कब से पड़ी है भंगार जैसे, ऐसा हो जाता है ना। देखो थोड़ा थोड़ा कलर फिर भी अभी आपको दिख रहा होगा पिक्चर का, ऊपर है कलर, हाँ वो इधर है, फिर थोड़ा हैंडल के इधर है, और ये देखो ये नीचे है। बराबर अंकल, आपने भी देखी थी क्या वो मूवी? अंकल बाय द वे अभी आप ये गाड़ी देख रहे हो तो आपकी भी ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी का नाम क्या है?
हम जाना, दर्शक को भी मन में बहुत रोमांच आ गया है, मतलब एक टार्जन से हम मिले। तो आपकी गाड़ी का भी नाम टार्जन रखा है क्या आपने, वो पिक्चर देखे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो क्या रखा है? अरे वही नाम है। अंकल से मजाक मस्ती नहीं। अरे हाँ। अभी मैं आपको ये कार के बारे में जितना जानकारी मुझे वो सब बता दो, एंड देखते हैं भाई इसको थोड़ा है ना अपन एक्सप्लोर करते हैं अभी ये गाड़ी को। एंड देखो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मतलब ये मैं बचपन में देखता था टीवी में ये सब में, एंड अभी इसे मैं सामने से देख रहा हूँ तो इसकी ना खुशी मैंने कभी सोचा नहीं था, वैसे तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इसको देखूंगा ऐसे सामने से और ऐसे हाथ लगाऊंगा। सो चलो अभी मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ, एंड चलो चलते। व्हाइट कोटिंग की स्प्रे की होती है ना, मैंने आते वक्त देखा था रास्ते में। अच्छा हमारे चाचा हाय करो एक बार जरा वीडियो में। हाय हाय। तो अभी चाचा के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो हमें बता रहे थे कि देखो पहले ना गाड़ियों पे कोटिंग होती है तो ये उनका कोटिंग है या व्हाइट कलर का और उसके ऊपर चलता है पर्पल कलर जो थोड़ा थोड़ा है ना पर्पल कलर। मतलब देखो मैं चाहता हूँ इस गाड़ी में जो सुपर वाल थी ना वो अगर आ जाए वो कैसे उड़ जाती थी, मजा आ जाएगा। देखो भैया हम आपके व्लॉग देखते हैं तो हमें पता है आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज करते रहते हो, अभी क्या प्लान है? कस्टमाइज वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। तो इसको करोगे क्या अभी? कुछ फुल गलत करने का इरादा है यार? मुझे लग रहा है भाई इसकी अगर बोली लगी तो भाई ये तो करोड़ों में जाएगी। ये नॉर्मल खेल थोड़ी ना, मतलब भाई कितने सबकी बहुत सबकी फेवरेट मूवी है टार्जन द बंडगर, सबने देखी हुई है बचपन में, देखिए तभी से देखते आ रहे हैं। लग रहा है किसी जल्दी बंदे नहीं ली होगी इस गाड़ी को। मैं तो बोला आप खरीद लो आप फिर दिल्ली की सड़कों पे घुमाओ ये गाड़ी। मेरे पास लड़कियां सब लोग आपको ही दे ना भाई। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि ये गाड़ी को हो गए 17 साल, एंड ये काफ़ी ज़्यादा, एंड इस गाड़ी की भी है ना एक अलग ही स्टोरी है और इसकी स्टोरी मेरे को थोड़ा बहुत पता है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये जो गाड़ी है ना ये दर दर भटकी है, मतलब ये गाड़ी ने बहुत ज़्यादा ठोकरे खाए हैं, बहुत अलग अलग रास्ते देखे इसने भी, और अभी ये इधर है इस जगह पे है। और मतलब ये गाड़ी की स्टोरी ना ऐसा हुआ था कि जलील भैया भी हमें बता रहे थे, क्या जलील भैया क्या बता रहे थे? जब ये रिलीज हुई ना मूवी, तो मूवी रिलीज होने के बाद ये रियली में लॉन्च करने वाले थे मार्केट में। अच्छा, मतलब जो डीसी के ओनर थे ये रियली में लॉन्च करने वाले थे, फिर लॉन्च नहीं हो पाई, ये मॉडल उनका फ्लॉप हो गया था, कोई खरीद रहा नहीं था, ऐसा सब सीन चल रहा था। फिर ये गाड़ी है ना 15-20 साल से ऐसे सब मुंबई के गैराजों में घूम रही है, ये सायन में भी आ चुकी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मेरे इधर भी देख लिया था मैंने। हाँ। लेकिन फिर अभी ये थाने में पड़ी थी वो भी मैं किधर किधर से पता लगा, हम लोग कितने मुश्किल से पहुंचे यहाँ पर, मुश्किल से हम लोग को ही पता है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत की हमने। एंड सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक मत करो, जाके जलील भैया की वीडियो को लाइक करो एंड मास्टर बटर की। एंड हम लोग मतलब इतना, मतलब आज धूप भी कितनी गाड़ी थी, धूप पसीना पानी 3-4 घंटे अपन किधर ट्रैवल करके आए ढूंढ ढूंढ के बहुत ज्यादा। तो जब ये पिक्चर थिएटर में आई तो इसका बजट जो इसको मेकिंग चार्जेस थे वो थे 14 करोड़, एंड जब ये थिएटर पे आई तो इसने अर्निंग की थी 6.2 करोड़ की, जो की इसका हाफ भी नहीं हुआ। तो ये पिक्चर लो गई, फ्लॉप चली गई। एंड जब ये टेलीविजन पे आई, टीवी पे, तो इसका मतलब पीआरपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड आई नो ये दुख है बहुत ज़्यादा, मेरे को भी पसंद थी, और जब ये पिक्चर निकली थी उस टाइम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सही पिक्चर निकली थी। समय बाद ये कार के जो ओनर थे उन्होंने इसकी बोली लगाई 2 करोड़, तो 2 करोड़ लगाई तो 2 करोड़ में भी कोई नहीं खरीदा। फिर उसके बहुत टाइम बाद, समय बाद उन्होंने बोली लगाई इसकी 35 लाख कुछ, तो उसमें भी मतलब कोई नहीं लिया। फिर मतलब अभी सोच सकते हो ना कितना, 2 करोड़ से 35 लाख कितना ज़्यादा कम हुआ था, फिर भी किसी ने नहीं लिया। तो ये कार की जो कहानी थी, मतलब ये मुंबई के इधर से उधर गैराज में, जैसा कि हमें जनील भैया बता रहे थे सायन में भी आई थी, तो वैसा ही है, ऐसा ऐसा हुआ और अभी उसकी हालत ये है। गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एंड देखो वो पचके भी है, इसके टायर में भी हवा विवा कुछ भी नहीं है, और मतलब आप लोग देख सकते हो मतलब गाड़ी की कंडीशन एकदम ही ख़राब हो चुकी है। एंड ये देखो भाई ये सब टूट फूट गया है, मकड़ियों के जाले दिखेंगे बस आपको, ये देख सकते हो इधर भी जंग बिंग लग गया है, मतलब ये गाड़ी है ना चलने लायक कंडीशन में तो है नहीं भाई। है, बोले वो एंड है चलने लायक कंडीशन में, अरे भाई स्टेयरिंग सब निकला है, फिर कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ मॉडिफाई पर खर्चा बहुत ज्यादा है ना, लेकिन किसी ने खरीद ली है वो। अच्छा खरीद ली? हाँ कोई दिल्ली वाला बंदा है ऐसा सुना है। हाँ तो अभी क्या मालूम वापस रोड पे दिखने मिल जाएगी गाड़ी इंशाल्लाह। यार देखो
हाँ भाई भाई सपोर्ट हो तो ऐसा हाँ। जनिल भाई हाँ। रेहान को मतलब वीडियो में फुल इंटरव्यू दे रहे हैं और हाँ। रेहान जनिल के ब्लॉग में मतलब ये देख रहे हो ये मैं देख रहा हूँ मतलब स्पेशली हाँ। मुंबई में कि हाँ दोनों हमारी एकता 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 मतलब सपोर्ट सिस्टम पूरा है ठीक है जो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है भाई हाँ वो तो है सब आपसे ही सीखा है हमने आपकी और धीरज भाई की जोड़ी देख के हमने भी अपनी जोड़ी बना दी है देखो जितने लोग यहाँ चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो रेहान को भी और जनिल को भी ठीक है थैंक यू सो मच फुल गलत कर दो भाई फोटो ले लेना आपके साथ हाँ भाई ये भाई फोटो ले ले रहे हैं मैं भी रहूं इस बात को आप बात करना आप वो परमिशन नहीं अगर उनसे हाँ करवा के तो आगे बात करूंगा हाँ नहीं कोई हम ये बात है और कोई बात नहीं हम आपसे कोई वो दुश्मनी नहीं है नहीं नहीं आप तो अपना फर्ज अदा कर रहे थे आपका काम है ना ये तो आप सही कर रहे थे वीडियो बन रही है इसलिए ऐसे से बोल रहे हैं कहना क्या चाहते हैं यार आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा एंड इस ब्लॉग में हमारे साथ मास्टर भैया थे ऑफ कोर्स आया ही होगा तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो घंटे का ठीक है एंड भैया मैंने आपके ब्लॉग देखता हूँ तो आप जब एंडिंग करते हो अपनी मम्मी के साथ आपका एक अलग ही अंदाज है एंड मैं हमेशा से ना मैंने सोचा था इंट्रो भी आपके साथ लूँ अच्छा तो एक बार बाद में इंट्रो लोगे आप मेरे साथ इंट्रो बाद में करते आउट्रो कर लेते आउट्रो कर लेते ओके तो मैं मैंने एक नाम सोचा था आपका नाम मास्टर बटर है हाँ। तो मैं अमूल बटर बोलता हूँ तो मैं हूँ अमूल बटर मैं हूँ अमूल बटर मास्टर बटर हूँ ना आपसे अच्छा मैं मास्टर बटर ही हूँ अच्छा अच्छा अब उनको आग पड़ेगी ना ऐसे ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ तो यार मैं मास्टर बटर मैं हूँ अमूल बटर मिलता हूँ आपसे अगले में मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय भैया अंकल मेरी हाँ। अमानत को भी अच्छे से लेके जाना एकदम अच्छे मास्टर बटर को